हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है उस पर बात करेंगे, हालांकि बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, यूजेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, कौन कौन इंडस्ट्री में, कौन कौन जगह पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग NaOH बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले। देखिए वही हम लिखा है यूजेज ऑफ NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं बताइए? सोडियम, क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो इसका केमिकल नेम हो गया, इसका कॉमन नेम पता है क्या होता है? इसको भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम। इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है कॉस्टिक सोडा। क्या होता है बताइए? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। क्लियर है? देखिए इसका बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे एग्जांपल से पेपर इंडस्ट्री में है ना, पेपर वगैरह जो बनाया जाता है इसमें भी हम लोग कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। दूसरा जैसे सॉप्स और डिटर्जेंट, सॉप्स और डिटर्जेंट मतलब साबुन वगैरह, और डिटर्जेंट मतलब जिसको आप जनरली सर्फ बोल देते हैं। अच्छा सर्फ एक्चुअल में क्या होता है? देखिए सर्फ जो होता है ना डिटर्जेंट का ही एक प्रकार है सर, है ना, वो डिटर्जेंट नहीं है, डिटर्जेंट का एक प्रकार क्या होता है? सर्फ है। खैर बताइए, अब कॉमनली उसको सर्फ जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। तो और इसका यूज करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने में, जैसे कि रेयॉन हो गया, ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। इसका यूज करते हैं हम लोग प्यूरिफाइंग ऑफ बॉक्साइड ओर। अच्छा बॉक्साइड ओर क्या होता है? ये जो बॉक्साइड ओर होता है ये आपको अल्युमिनियम का ओर होता है। किसका ओर होता है बताइए? अल्युमिनियम एक मेटल होता है, अल्युमिनियम या ओर ऑफ अल्युमिनियम, ओर ऑफ अल्युमिनियम। कौन? बॉक्साइड। याद रखिएगा ये, है ना, बॉक्साइड ओर किसका, बॉक्साइड जो है वो किसका ओर है, मतलब अल्युमिनियम मेटल का। उसी तरह डीग्रीसिंग मेटल, ऑयल रिफाइनिंग एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग डाइज, है ना। ये सब डीग्रीसिंग मतलब ग्रीस मतलब होता है उसको, मतलब मेटल वगैरह को जो होता है उसमें ग्रीस का एक लेयर लगाने से बोलते हैं ग्रीसिंग, उसको हटाने में हेल्प करता है ये NaOH। ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल वगैरह का जहां फिल्टर वगैरह होता है वहां ये कॉस्टिक सोडा का हम लोग यूज करते हैं डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स ऑयल रिफाइनिंग में, है ना। और आपको यूज करते हैं डाइज वगैरह बनाने में। अच्छा डीग्रीसिंग मतलब ग्रीसिंग का लेयर को हटाना, और आपको ऑयल रिफाइनिंग मतलब, है ना, ऑयल वगैरह जो होता है इसको फिल्ट्रेशन वगैरह में जो हेल्प करता है वहां भी यूज करते हैं ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में। और मेकिंग डाइज मतलब कलर, डाइज मतलब होता है कलर, है ना, कलर वगैरह बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या यूज है बताइए? इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर इंडस्ट्री मतलब यूज करते हैं इसका पेपर बनाने के लिए। इट इज यूज इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और सर्फ ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, है ना, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर वगैरह जो था इसको बनाने में भी हेल्प लेते हैं। किसका बताइए? कॉस्टिक सोडा का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर, ये जो बॉक्साइड ओर हम लोग ओर जो अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं उसको साफ करने में, उसका प्यूरिफिकेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये किसका ओर है बॉक्साइड ओर? अल्युमिनियम का। किसका बताइए? अल्युमिनियम एक मेटल है। नेक्स्ट इट इज यूज इन डीग्रीसिंग मेटल्स ऑयल रिफाइनिंग एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग डाइज, है ना, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा इसका, कभी एग्जाम वगैरह में आ जाए कम से कम 3-4 तो लिखिएगा ही, है ना, 5 भी लिख दिए अच्छी बात। ओके ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।